ठीक है, हो गया डायग्राम्स आप सबके। बताओ थोड़ा आपका डायग्राम कहाँ बना दिए सर? ये डायग्राम ये बनाएंगे, अच्छा डायग्राम निकालेंगे। और बनाओ, कल क्या बना के लाए थे? कल ये डायग्राम ओबीपी का बनाए थे जी। ठीक है, समझ के बनाएंगे, कॉपी कर लिए? समझ करके। हाँ, कभी भी बता सकते हैं। बता सकते हैं ना। कहाँ से है वैसे तुम? सर बिहार। बिहार से? कहाँ पे बिहार? गोपालगंज। गोपालगंज, नाम क्या है आपका? सुनील। सुनील है, ठीक है। तो अभी चलो, जैसे कि कल से हम चार्जिंग सेक्शन कल भी देखे थे, हो गया सबका डायग्राम? थोड़ा है प्रेजेंट, इधर देखिए। कल चार्जिंग सेक्शन देखे थे हम, कल कौन सा देखे थे? मीडिया टेक देखे थे और एक यूनिवर्सल टाइप। अभी ये कौन सा है? कॉलकॉम है। और ये आईसी कैमे कैमे मिलेगा अपने को? हाँ, मीडिया टेक और कॉलकॉम। कितने लेख का है भाई? कितना? 24 लेख का है। और इसका जो अपन बनाया अभी, ये जो डायग्राम बनाया, ये कहाँ से देख के बनाए अपन? डायग्राम में देख के बनाए, ठीक है। चलो अभी ये बताओ, ये जो डायग्राम यहाँ पे ओपन करके रखा है, ये एक आईसी है? कल के दिन कुछ और नया आईसी आता, सब लोग रीड कर सकते हैं? बोलो भाई, पहले आता था क्या आपको? अभी समझ में आ रहा ना आपको कि क्या सप्लाई कहाँ पे आ रही, कितना वोल्टेज है? क्योंकि इसमें तो कई जगह पे ऐसा देखे अपने, क्या उबेद वोल्टेजेस भी नहीं बताता इसमें, क्या वोल्टेज भी नहीं बताता, लेकिन अपन चेक करके बता रहे ना कितना कहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। एक एक सप्लाई का नाम भी देख रहे हैं। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कुछ छूट रहा है चार्जिंग में, ऐसा नहीं बता रहे? नहीं, अच्छा जो आप सीख रहे हो, ये पहले कभी ऐसा देखे क्या आप लोग? जरा आवाज नहीं आ रही भाई, नहीं देखे ना? यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे देखे क्या? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, सबका अपना अपना ट्रेनिंग देते हैं, वो लोग भी वीडियो बनाते हैं, जो भी है। तो इस तरह का कहीं पे देखे क्या आप? इंटरनल ना आपको सर्किट के बारे में बता रहे हैं, एक एक लाइन के बारे में बता रहे हैं, वोल्टेज कितना आता है, सिग्नल कहाँ से आता है, ये तक बता रहे कि कौन सी आईसी से आता है और कौन से अगर बॉल वाला रहा है तो कौन से बॉल पे आ रहा है और कौन सी आईसी से आ रहा है। अब इससे ज्यादा कुछ है क्या इसमें बचा हुआ? सबको आसान लग रहा है अभी? अच्छा, प्रैक्टिकल भी काम कर रहे हैं ना सब लोग? आईसी रिबॉलिंग हो गया या लगाना? अभी 4 दिन हुए कि 5 दिन हुए, कितने दिन हुए? 6 दिन में क्या क्या कर लिए थोड़ा सा बताओ जोर से। हाँ बोलो फिर से। नॉर्मल आईसी, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, डबल डेकर का सब करे। रिबॉलिंग में किसी को दिक्कत हो रही क्या? अच्छा, कैसा है ट्रिक रिवॉल करने में? वन शॉट में हो रहा है? हाँ, रिवॉलिंग हो रहा है। पहले फंसते थे ना आप लोग सीपीयू करने में, या किसी में तो फंस जाते थे होंगे। आप कितने साल से काम कर रहे थे आप इमरान जी? 14 साल से कर रहे थे, और आज 6 दिन की ट्रेनिंग के बाद कितना फर्क आ गया आप में? बहुत आ गया। तो अभी जो ब्लैक पेस्टेड है सर, मैं तो सुना 6-7 बार तो बताया सर ने अभी तक आप लोगों को, तो जो ब्लैक पेस्टेड है ओप्पो वीवो के सेट, बहुत सारे लोगों को देखा मैं, 1-1 घंटा 2 घंटा खाली क्लीन करने में लगा देते और निकालने में भी पैड्स भी डैमेज कर देते। तो आप यहाँ पे कैसा लगा आपको जो बता रहे ट्रिक? सर, बहुत अच्छा। कितनी देर में क्लीन कर रहे हो भाई? सर बताया आपको, सर क्लीन सीपीयू हो गया, ब्लैक पेस्टेड हो गया, आईसी, एक आईसी आप लोग 10-15 मिनट में कर सक रहे हैं। अच्छा, और प्रैक्टिस कर लेंगे तो और आसानी से हो जाएगा। हाँ, अच्छा ये बताओ, आईसी खोलने, लगाने, रिवॉल करने, कहीं और दूसरे इंस्टीट्यूट को आपको जाने की जरूरत है क्या? हाँ, बहुत बच्चों को देखा मैं, डबल डेकर नहीं बना सकते, ठीक है, या ब्लैक पेस्टेड आईसी खोलने नहीं आता, तो वो दूसरे इंस्टीट्यूट घूमते रहते हैं। आप लोगों को जरूरत है क्या? नहीं, नहीं, नहीं है ना भाई, ढूंढ जाने की तो कहीं जरूरत तो नहीं है। नहीं, नहीं। और हमारे पास एक और एक ऑप्शन, आपके पास क्या है? वापस आ सकते हैं। क्या है ऑप्शन? कुछ भी फीस वगैरह आपसे लेते क्या रहने के लिए? रहना भी फ्री है भाई, क्या खाना भी दे दो वो भी करेंगे इंशाल्लाह। अभी फिलहाल क्या है, रहने के लिए फिर ये। पहली बात तो ये बताओ, आपको लग रहा क्या वापस से आके मेरे को आईसी खोलना, रिवॉल्व करना, ऐसा लग रहा क्या आने की जरूरत तो नहीं है ना? लेकिन हम एक ऑप्शन रखे आपके लिए, पहले अपडेट के लिए आना पड़ेगा। हाँ, अपडेट के लिए, कल के दिन कुछ नया आ जाए क्या? कल के दिन कुछ नया आ जाए तो वापस हम आपको बुलाएंगे जरूर, ठीक है। और एक बात है, जो भी नया आएगा ये टीम मेंबर वगैरह से भी वीडियोस के जरिए हेल्प करेंगे बच्चों को, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा नाम बताओ भाई, क्या है? सुनील। सुनील कहाँ से है? गोपालगंज।
गोपालगंज बिहार से। चलो आ जाओ फटाक से। आप फ्रेशर है कि क्या है सर? फ्रेशर, पहले कभी काम नहीं किया ना सर। इसके लिए एक बार जोरदार क्लैप्स भेजा जाओ। ये बंदा एक्चुअली ये बंदा बहुत मेहनती है, समझ रहे हैं? ये बहुत मेहनत से यहाँ पे फीस जमा करके आया है, समझ रहे हैं आप? इसके पास पैसा भी नहीं था। जो भी इसकी स्टोरी है सुनेंगे तो आप, ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। कितने एज के है भाई तुम? सर 21। 21 का मतलब बहुत कम एज का है। ये एज में तो लोग जो है ना गाने फिल्में बाजे देखते घूमते रहते हैं, टाइम पास करते हैं, घरों के बाहर बैठ जाते हैं या कहीं पार्कों में जाके घूमते हैं। लेकिन ये बंदा एक सोचा कि मैं लाइफ में कुछ करूं, क्योंकि इनको रियलाइज हुआ कि मेरे को कुछ करना है, और बड़ी मेहनत से पैसे ये जमा करके यहाँ पे आया है, समझ रहे? तो सुनील तुम जो सोच के आए मिल रहा है तुम्हारे को? जी सर, वो मतलब उससे ज्यादा कुछ मिल रहा है। मैं सोचा था कि ये सब नहीं, लेकिन उससे ज्यादा ये सब मिल रहा है। मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं करे थे आप? जी सर, सोचे थे कि थोड़ा बहुत तो सीख जाऊंगा, थोड़ा बहुत काम कर लूंगा। इतना सोचा था कि सर आईसी लगा लूंगा, बट इतना नहीं सोचा ये डायग्राम वगैरह ये सब देख। पूरा सर्किट की नॉलेज आपको मिलेगी, इस तरह से आपने नहीं सोचे थे। एक बार इनके लिए जोरदार क्लैप्स कर दो भाई। ठीक है सुनील, चलिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो। सब लोग देखो ये क्या बता रहा है, और सब लोग डायग्राम बनाए। एक मिनट रुक जाना, थोड़ा सा बताओ भाई अभी तक का, थोड़ा सा बताइए क्या क्या बना दिए, पिछला भी बताइए। ये हो गया, ठीक है। और आप रफ में बनाए? हाँ, ये देखिए भाई, इसके लिए एक बार जोरदार क्लैप्स करो भाई, जुल्फ़िकार के लिए। क्या ये जो काम करे, ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स है ये। क्या ये देखो, सब लोग कर सकते हैं, लेकिन ये आपका इंटरेस्ट है कि आप कितना अच्छा आप डायग्राम बना रहे हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा इन्होंने डायग्राम बनाया। तो जुल्फ़िकार ये बताओ तुम कब से काम कर रहे थे? सर मैं वन ईयर से काम कर रहे थे। अब ये सर्किट जो आप ड्रॉ कर रहे हो, जो समझ के बना रहे हो, पहले कभी आता था क्या ऐसे? अच्छा, ये कॉपी तो नहीं कर लिए? कुछ भी पूछो, कहीं से भी बता सकते हैं ना आप, है ना? ये आप जब इतना अच्छा बनाए हो, देखो भाई मेरे को तो बार बार देखना दिल बोल रहा है। आपको दिल बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? सर हमारे को सिर्फ फोटो चाहिए ग्रुप में से। क्या तो आप लोग भी बनाओ भाई, देखो इन्हें कितना अच्छा बनाया। क्योंकि ये एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आप फिर किसी से पूछेंगे नहीं इसमें। आपका बताओ भाई, ये बंदा भी बहुत मेहनती, इसके लिए भी एक बार क्लैप्स। आवाज ही नहीं आ रही, ये रात में मेहनत कर रहे हैं इसके लिए है, समझ रहे हैं आप? देखो कितना अच्छा बनाते हैं ये भी, ठीक है। और क्या क्या बना दिए? ओबीपी वगैरह बना दिए, आईसी बना दिए, ठीक है, कंपोनेंट्स वगैरह लिखे, ठीक है। अभी चार्जिंग सेक्शन का पूरा यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा चाहिए। वो मेहनत करो रात में, मगर तबियत खराब मत कर लो आप, ठीक है। चलो सब लोग बनाए, सबके पास है। अच्छा समझ में तो आ रहा ना भैया आपको? ओबेन सॉरी, समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे? बहुत अच्छा है। अच्छा है, पहले भी आप काम करते थे? कब करते थे? जो आपका डीपली नॉलेज है, एक एक लाइन का, एक एक सिग्नल का, सीपीयू का, वो बहुत सो को नहीं मान। जो आपका ट्रिक है और डायग्राम एकदम बेस्ट, जो सोच के आए थे मिल रहा आपको? उससे बेस्ट बेस्ट मिल रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सुनील मेरे साथ है, मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ, ठीक है। गायकवाड़ भी अच्छा बनाया भाई, ये हमारे क्या नाम है, अंसारी, मोहम्मद फैज अंसारी। आप भी अच्छा बनाए, आपका बताइए, ठीक है। आप भी बहुत जबरदस्त बनाए, ठीक है सर, अच्छा बनाए। अच्छा ठीक है, तुम कहाँ से? उड़ीसा। उड़ीसा में कहाँ से? जजपुर। जजपुर, अच्छा ठीक है। चलो ठीक है सुनील, स्टार्ट करो। सबसे पहले इनपुट सप्लाई बता दो, और आईसी कौन सी है, कितने लेग की है बता दो। कौन सी आईसी है? कितना लेग का है? 24 लेग का है, ठीक है। इसका इनपुट कहाँ से हो रहा है? चार्जिंग कनेक्टर से कहाँ आ रहा है? रिवर्स होकर के इस आईसी में आ रहा है। इस आईसी से होकर के फिर ये आउटपुट दे रहा है कितना वोल्ट में? आईसी से कितना वोल्ट है? 5 वोल्ट। और आउटपुट कितना हो रहा है? 5 वोल्ट। ये क्या है? बीएमआई। आप ही एक्सप्लेन करो, पूछो मत उनसे, आप बताओ। ये कैपेसिटर है जिसका नाम है पीएमआईडी। इधर आउटपुट होना है कितना? 5 वोल्ट होता है। फिर इधर से जब 5 वोल्ट जब आउट होता है तो एक और इसमें से आईसी से निकलता है, वो क्या होता है, एक कैपेसिटर लगता है जो आउटपुट, एक ये आउटपुट होगा, दूसरा एक आउटपुट होगा कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का क्या नाम है? बूस्ट कैप है। और यहाँ से फिर एक आता है क्वाइल, इस क्वाइल का क्या नाम है? बूस्ट क्वाइल। ये कौन सा लाइन में लगा होता है? बीपीएस लाइन। ये तो दो हो गया, ये कौन सा लाइन हो गया? बीपीएस लाइन में क्या क्या होता है? एक बूस्ट कैप होता है और बूट कैप होता है और बूस्ट क्वाइल होता है। ये जो क्वाइल किधर चला गया? बीपीएस लाइन चला गया। यहाँ पे
फिर ये डीपीएस लाइन इस कैपेसिटर के ठीक बाजू से निकल करके फिर कहां जाता है, आईसी से जाता है, फिर आईसी से सेम यही आईसी से फिर निकल के कहां आता है, ये बैटरी कनेक्टर पे जाता है, बैटरी कनेक्टर पे आएगा, फिर ये जो इधर का जो लाइन हुआ है ये लाइन फिर किधर चला गया, वो अनदर सेक्शन जैसे लाइट सेक्शन हो गया, ग्राफिक्स हो गया, कैमरा हो गया, रिंगर माइक ये सब जितना होगा ना उस सेक्शन में चला गया। और ये जो है वो सब ये डायग्राम देख रहे हैं आप लोग, ये जैसे कि इधर 22 नंबर, इधर 22 नंबर देखिए, 22 नंबर कौन सा है, ये इसका मतलब क्या हुआ, ग्राउंड हुआ, ग्राउंड हुआ ना। और चलो इसमें ये बताओ आप सुनील, आई टू सी लाइन कहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा आई टू सी लाइन बताओ कहाँ से आ रहा है, ये जो सीपीयू होता है ना, बताओ वहाँ पे क्या नंबर पे आ रहा है, सर ये 0.6 आ रहा है, कितना 0.6 और 5, 6 और 5, ठीक है। एक बार इनके लिए क्लैप्स करिए, आप थोड़ा आइए, आप बैठ जाओ, आप ये बताओ इसमें जो INT लाइन है वो कहाँ से आ रहा है, क्या नंबर पिन पे आ रहा है, अब ये क्या काम करती है सबको मालूम है ना, बताना नहीं है, INT लाइन सबको बताया ना, ठीक है, कितना वोल्टेज आता है वो भी बताया आपको, ठीक है, तो क्या नंबर पे आ रहा है भाई थोड़ा सा बताइए, INT लाइन 7 नंबर पे आ रहा है, 7 नंबर पे आ रहा है, कहाँ से आती है लाइन, ये CPU से, और एक रजिस्टर जो लगा है क्या वैल्यू का लगा है, 10K का, वो उस पर वोल्टेज कितना आ रहा है, कहाँ से आता है वो, पावर की से। अच्छा ये बताइए ये जो रजिस्टर है इसका नंबर क्या है डायग्राम में, और कहाँ पे लगा है थोड़ा सा बताइए, नंबर यहीं पे लिखे ना, हाँ सर, क्या नंबर है, 80502। चलिए वहाँ डायग्राम में कहाँ पे बताइए, डायग्राम में बताइए फिर लेआउट में। अच्छा ये डायग्राम में रजिस्टर या जो भी कंपोनेंट है ढूंढने आता है सबको, अच्छा डायग्राम में ढूंढ लिए फिर लेआउट में ढूंढने आता है, कंफ्यूज तो नहीं हो गए कोई भी, समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक है, तो कहाँ लगा भाई, 7 नंबर में नीचे, कहाँ लगा है, 7 नंबर, 7 नंबर पे लगा है, कितने वैल्यू का है, 10K। चलो अब ये बोर्ड में कहाँ लगा है बताओ थोड़ा सा, सब लोग कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जूम करके बता दो, कहाँ है भाई, आईसी के बगल में, जस्ट बगल में, मतलब चार्जिंग आईसी जो डीसी टू डीसी है हमारे, जस्ट उसके बगल में लग के, कहाँ पे लग के, चार्जिंग आईसी के बगल में, तो ऐसा ढूंढ सक रहे ना अभी आप, तो पहले कब से काम करते थे आप, क्या है, पिछले 3-4 साल से काम, तो अभी जो कर रहे हो ये सब करते थे क्या इस तरह से, हाँ कितने दिन हो गया अभी क्लास अपना, कहाँ से आप वैसे, कर्नाटक, कर्नाटक से है, तो डे 6 में आप कंपोनेंट ढूंढ रहे हो उसका वैल्यू भी बता रहे हो, कितने वैल्यू का है वैसे, 10K का है, सप्लाई भी समझ में आ रहा है आपको जो पढ़ा रहे, ठीक है, ठीक है, चलिए बड़े इनके लिए एक बार जोरदार क्लैप्स कर दीजिए, कैकवाड़ आप हो दिनेश महाराष्ट्र, सबसे पहले इसमें जो इनपुट सप्लाई आ रही कहां से आ रही थोड़ा सा बताइए, जो वीबस लाइन हमारी, सर इनपुट लाइन, हाँ 5.2 आ रहा है, 5.2 वोल्टेज आ रहा है, कहां से आ रहा है वो, शुरुआत कहां से होता है, चार्जिंग, चार्जिंग सीसी से होता है, और उसके बाद वो क्या नंबर पिन पे आ रहा है, 1 और 20 पे आ रहा है। अच्छा देखिए नंबर 24 है वो, 20 नहीं है 24 है, लिखने में ऐसा लग रहा है, तो 1 और 24 जो है इसका क्या है, इनपुट सप्लाई है, और ये दोनों आपस में बीप मारेंगे, दोनों लेग क्या है, जुड़ के है ना यहाँ पे, देखो जुड़ के है ना ये 1 और 24 आपस में जुड़ के है, तो सबसे पहले तो यही सप्लाई हम देखेंगे कि इनपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इनपुट आ रहा है तो आईसी में जा रहा है, तो आईसी में जाने के बाद सबसे पहले कौन सी सप्लाई देखेंगे अपन, PMID, वेरी गुड, क्या देखेंगे, तो कितना वोल्टेज होता है सबको मालूम है, ठीक है, पता है ना ये, ठीक है, एक बार इनके लिए भी क्लैप कर दो भाई जोरदार, ठीक है, यहाँ पे आप आइए उबेद, थोड़ा सा VPH लाइन एक्सप्लेन करो कहाँ कहाँ जाती है थोड़ा सा, VPH लाइन जनरेट कैसा हो रही है ये बताइए बैटरी लगाने के बाद, बैटरी लगाने के बाद VPH लाइन इधर देख सकते, DC टू DC में जाता है पहले,
ठीक है, डीसी टू डीसी में बैटरी लगा दी है, वोल्टेज वी बैट का गया। उसके बाद डीसी टू डीसी आईसी से एक बूट कैप है जी, और एक कॉइल है, बूट कॉइल, उसके थ्रू ये इतने सेक्शन को जाता है। कौन से सेक्शन जरा बताइए। पावर आईसी, चार्जिंग, लाइट, ऑडियो, रिसीवर, वाईफाई, 2G, 4G, और फ्लैश लाइट, तकरीबन 14 से 15 सेक्शन। 14 से 15 सेक्शन जा रहा है। तो वीपीएस अगर जनरेट नहीं हो रहा है, नहीं क्रिएट हो रहा है, तो क्या क्या करना है पता है आपको? ठीक है, नहीं वो मत बताइए, बस कर सकते कि नहीं कर सकते बोलो, क्योंकि बीपीएच लाइन सबसे ज्यादा क्या हो जाती है, शॉर्ट उसी में आ जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सेक्शन उसी के साथ जुड़ के है ना। तो अपन इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि शॉर्टिंग किस साइड में है, यस सर, चार्जिंग एसी के साइड है या फिर दूसरे साइड। एक एक इजी वे बताया आपको, क्या बताए, बोलना नहीं है, आप लोगों को बताया ना भाई क्या करना है। ठीक है, एक बार इनके लिए जोरदार क्लैप। तो इजी वे में अगर शॉर्टिंग है वीपीएस लाइन में फाइंड आउट कर सकते हैं आप लोग। अभी तो मोबाइल भी बनाएंगे अपन यहाँ पे, अभी तक कुछ मोबाइल बना के दिए क्या सर? हाँ, बना के बताए। अभी तो आगे तो अभी तो बनाने की क्लास नहीं है, लेकिन अभी भी लेंगे बीच में। तो आगे जाके अपन जब सेक्शंस बनाते जाएंगे, तो जैसा चार्जिंग है तो चार्जिंग के रिलेटेड सेट्स लाना है आपको। ठीक है, ऑल ओवर आपको चार्जिंग सेक्शन में समझ में आया क्या क्या करना है? हाँ, सबको समझ में आया। तो बॉल वाले भी जो डायग्राम बनाए आप, और ये लेग वाले भी बनाए, ठीक है। आईसी डिफिनेशन बोलते हैं इसको, बॉल का डिफिनेशन है या फिर आईसी की डिफिनेशन है कि कौन से बॉल पे क्या आ रहा है, कौन सा इनपुट हो रहा है, क्या है, ये इम्पोर्टेंट है आपको। समझ में आ रहा है? जैसा आईसी निकाले बगैर, बहुत जन बोलते हैं कि सर आईसी निकाले बगैर कैसे चेक करना है कि चार्जिंग आईसी सही है कि नहीं है। इसी तरह से मैं आपको पावर आईसी भी बताऊंगा कि पावर आईसी निकाले बगैर कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चार्जिंग आईसी बॉल वाला है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, तो बगैर निकाल के आप चेक कर सकते हैं सही है कि नहीं है। कौन कौन कर सकते है भाई, थोड़ा हाथ उठा के बताओ, सब लोग कर सकते हैं बगैर निकाल के आपको बताना है कि सही है कि नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड कौन कौन खोल के क्लीन कर सकते हैं? आईसी खोल के निकालना है, क्लीन करना है, सब कर लेंगे, कोई डाउट तो नहीं है? डर तो नहीं है सेट खराब हो जाएगा कस्टमर का बोल के? देखो अभी कितने दिन हुए आपके, 6 दिन, 5 दिन हुए। अगर मैं आपको 2 महीने का टाइम दे दूं, क्या 2 महीने का टाइम? देखो आप लोग पहले से 2 साल से, कोई 10 साल से, 4 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आने वाले में 2 महीने का टाइम देता हूँ, उसके बाद आपका हाथ कैसा हो जाएगा? उसके बाद तो पूछना ही नहीं, पूछना ही नहीं कुछ भी, मतलब आपके एरिया में आपके जैसा टेक्नीशियन रहेगा क्या? नहीं सर। कोई सेट वापस जाएगा? नहीं सर। बताओ भाई, नहीं जाएगा ना। तो जाके कैसा क्या करना है अपने को? 2 महीने दबा के प्रैक्टिस करना है। कोई रोक सकता क्या आपने आगे बढ़ने से? कोई नहीं रोक सकता। समझ में आ रहा है? आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आगे जाएंगे। समझ में आ रहा है? नहीं, दूसरों को टॉन्टिंग करते बैठेंगे तो बढ़ेंगे क्या आगे? तो फोकस किस पे करना है? काम पे करना है। और यहाँ पे भी जब काम कर रहे हैं तो बाजू वाले को नहीं डिस्टर्ब करना है ना। चलो अच्छा ये बताओ, सुबह में कितने बजे आए आज अपन? शाम में कब तक रहते हो डेली? 8:30। कितने घंटा हो जा रहा आपका क्लास? 10 घंटे। खाने के लिए भी जाते हो बीच में? वो तो जरूरी है क्या? अच्छा, कोई रहने की तो प्रॉब्लम नहीं है भाई? नहीं सर। अच्छा, यहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं, उड़ीसा से भी है। आप कहाँ से है भाई? नेपाल से। कहाँ से हो? कहाँ से? पीरगंज से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आने के बाद? तो ये दूसरे कंट्रीज से भी लोग सीखने के लिए आते हैं भाई, एक बार इनके लिए क्लैप्स कर दीजिए। क्योंकि मैं बहुत बच्चों को देखा, सर हमारे दिल्ली में नहीं है क्या, हमारे गुजरात में नहीं है क्या, पूछते हैं। ठीक है, तो सीखने के लिए आपको दूर भी जाना पड़ता है कभी कभार। तो दूसरे कंट्री से बंदा आ रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।